हेलो दोस्तों आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डी के पाठशाला में स्वागत है दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे आपका आर आर सी ग्रुप डी एग्जाम डेट के बारे में कि दोस्तों आपका एग्जाम कब से स्टार्ट होगा और साथ दोस्तों आपके सोशल मीडिया पर अफवाह फैली हुई हैं उन सब के बारे में इस वीडियो में हम आपका बात करेंगे तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और दोस्तों पहले आपको बताना चाहूँगा अगर दोस्तों आप ग्रुप डी या आर आर बी एन डी पी सी या आपका हो गया यू पी एस आई आर आर बी एन डी पी सी सी बी टी टू या सी बी टी वन हो या आपका ग्रुप डी अगर इनमें से किसी भी एग्जाम की तैयारी करो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भूलें क्योंकि दोस्तों हमारे चैनल पर आपको लगातार मैथ रीजनिंग शायद दोस्तों आपको जीके और जीएस इन सभी की लगातार वीडियो आपको प्रोवाइड कराई जाती हैं और दोस्तों दस अप्रैल से आपके लिए हमारे चैनल मैथ की एकदम बेसिक से क्लास स्टार्ट की जा रही है मैथ की यानी जो बंदा एकदम जीरो मैथ में उसके लिए क्लास आपकी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है ठीक है यहाँ पर डेली शाम को छः बजे आपको ये वीडियो मिलेगी छः पी पर जहाँ पर आपका पूरा सिलेबस आपको कम्प्लीट करा जाएगा और दोस्ती सिलेबस लगभग आपके दस महीने में कम्प्लीट होगा जाके और दोस्तों सब आपका फ्री रहेगा और साथ ही आपको पीडीएफ नोट्स भी दिए जाएंगे साथ में और जो आपका डाउट है वो भी आपके क्लियर किए जाएंगे तो दोस्तों इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भूलें और साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें आप उससे बात करते हैं आपका ग्रुप डी एग्जाम के बारे में तो दोस्तों बताना चाहूँगा पहले दोस्तों जो आपका आर आर का एग्जाम चल रहा है इस समय ये दोस्तों आपका फेज सिक्स चल रहा है ठीक है जो कि दोस्तों आपका एग्जाम स्टार्ट हुआ था एक अप्रैल से और ये एग्जाम चलेगा आपका आठ अप्रैल तक आठ अप्रैल तक अब दोस्तों जब आपका छठा फेज इसमें खत्म हो जाएगा तो ये यह मांग लगभग आपके सात से आठ लाख बच्चे ऐसे बच जाएंगे कि जिनका कि आपका एग्जाम होना बाकी होगा आपके फेज सेवन में ठीक है तो उन बच्चों का आपका एग्जाम होगा फेज सेवन में उसके दोस्तों आपका क्या एक दोस्तों आपका एग्जाम होता है एस एस का सी एस एस एल वाला ठीक है जो कि आपका टेन प्लस टू होता है और दोस्तों इसके जो एग्जाम है वो आपके स्टार्ट हो रहे हैं बारह अप्रैल से और ये एग्जाम चलेंगे आपके छब्बीस अप्रैल तक दोस्तों जहां तक मुझे लग रहा है एग्जाम जो आपका होगा सातवा फेज या तो आपका नौ अप्रैल से स्टार्ट हो जाएगा या आपका दस अप्रैल से स्टार्ट हो जाएगा और दोस्तों जिस दिन आपका एस का एग्जाम होगा टेन प्लस टू वाला उस दिन इसका एग्जाम होना पॉसिबल नहीं लग रहा मुझे क्यों तो दोस्तों इसका एग्ज़ाम भी आपका ऑनलाइन होता है ठीक है और जो एन है वो भी आपका ऑनलाइन हो रहा है और इसका भी ऑल ओवर इंडिया होता है इसका भी ऑल ओवर इंडिया होता है और इस समय एक कोरोना केस चल रहे हैं तो इस वजह से हो सकता है आपका किस दिन इसमें गैप हो बीच में उस दिन आपका एग्जाम हो एन का फेज़ सेवन तो दोस्तों ये मांग चलो आपका फ़ेज़ सेवन में यानी आप अप्रैल पूरा मांग चलो कि जो आपका अप्रैल है उसमें आपका एन का एग्जाम होगा और उसके बाद दोस्तों आपका जो ग्रुप ग्रुप डी का जो एग्जाम स्टार्ट होगा वो मान चलो आपका एन के पंद्रह से बीस दिन बाद आपका एग्जाम स्टार्ट होगा ठीक है यानी जो आपका ग्रुप डी एग्जाम होने वाला है उसको आप मान चलो कि आपका पंद्रह मई से लेके बीस मई के, के आसपास में एग्जाम स्टार्ट हो सकता है ठीक है और आप अपना पंद्रह मई आपका मान के चलो इससे पहले नहीं होगा तो यानी कि दोस्तों अभी आपके पास लगभग चालीस दिन का समय बाकी है अगर आपकी तैयारी नहीं हो पाई है तो अभी आपके पास टाइम है अगर आपने थोड़ा बहुत पढ़ रखा तो आप चार दिन में तैयारी अच्छे से कर सकते हो ठीक है और दोस्तों आगे बात आती है आपका सिलेबस क्या होता है इसका तो वो मैं आपको बता देता हूं तो दोस्तों जो आपका इसका सिलेबस होता है ग्रुप डी का वो आपका चार भागों में डिवाइड होता है एक दोस्तों होता है आपका सामान्य विज्ञान एक होता आपका गणित एक होता आपका सामान्य ज्ञान और एक दोस्तों आपको होता है रीजनिंग तो दोस्तों यहां से आपके पच्चीस क्वेश्चन पूछे जाते हैं ग्रुप डी में और यहां से आपके भी पच्चीस क्वेश्चन पूछे जाते हैं और सामान्य ज्ञान से आपके बीस क्वेश्चन आते हैं और रीजनिंग से आपके आते हैं पच्चीस क्वेश्चन तो दोस्तों ये आपके पचास बीस सत्तर तीन तीस सौ हो गया यानी सौ क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके सौ नंबर के सौ मार्क्स के यानी एक क्वेश्चन होता है आपका एक नंबर का होता है इसके बाद दोस्तों इसमें आपकी वन वाइट हेड होती है नेगेटिव मार्किंग नेगेटिव मार्किंग अगर दोस्तों आपने तीन क्वेश्चन गलत कर दिया तो आपका एक सही क्वेश्चन इसमें से काट लिया जाएगा और साथ में दोस्तों आपको नब्बे मिनट का समय दिया जाता है एग्जाम को सॉल्व करने में ठीक है आपका इतना हो गया आप दोस्तों बात करते हैं भी कितनी जा सकती है तो दोस्तों अगर आप ग्रुप डी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपको पता होगा कि लगभग आपकी एक लाख से अधिक वैकेंसी है इस बार ठीक है एक लाख सात हजार के आसपास आपकी वैकेंसी है तो दोस्तों लगभग आपको सौ क्वेश्चन में से पिछत्तर अस्सी का टारगेट लेकर चलना होगा आपको ठीक है क्या पिछहत्तर से अस्सी क्वेश्चन के बीच आप क्वेश्चन अटैम्प करें और लगा दोस्तों जो आपकी एक्यूरेसी है वो आपकी नब्बे परसेंट होनी चाहिए कम से कम इतना आप के चलें यानी अगर आपने अस्सी क्वेश्चन किए तो उसमें से आपके सात आठ क्वेश्चन ऐसे हों जो आपके गलत हों यानी अगर दोस्तों आपका सत्तर से ऊपर नंबर बैठ जाता है रो मार्क्स कार्ड पीटने के बाद सत्तर प्लस तो ये मार्क्स मार्क्सर आपका सलेक्शन इसमें हो जाएगा ग्रुप डी में हंड्रेड परसेंट बार ठीक है क्योंकि वैकेंसी बहुत ज़्यादा है और उसके बाद उसका आपका फिजिकल भी होता है तो उसमें बहुत बच्चे आपके बाहर होते हैं तो कैसे तैयारी नहीं है वो तैयारी करते हैं लगातार और दोस्तों एक वीडियो में बनाया हुआ अलग से उसमें आपका पूरा बुक बता दिया है कि कौन से सब्जेक्ट के लिए किस बुक से आप तैयारी करें ठीक है तो उस वीडियो को आप जाकर जाके देख सकते हो हमारे चैनल पर जाओगे तो वहां पर आपको वीडियो मिल जाएगा और दोस्तों अगर आपका कोई सवाल हो ग्रुप से संबंधित तो नीचे आप कमेंट करके पूछ सकते हो और दोस्तों बताना चाहूँगा आपको कि जैसे दोस्तों आपके कोरोना केस इस लगातार बढ़ रहे हैं देश में ठीक है कल जो आपके लगभग एक लाख से अधिक कोरोना केस आए हैं तो इस तरह से दोस्तों हो सकता है कि आपका एग्ज़ाम पोस्टपोन भी हो जाए बाद में जाके ठीक है तो लेकिन दोस्तों इन अफवाहों पर आपको दूर रहना है क्योंकि दोस्तों अगर पोस्टपोन होगा तो उसमें आपको फायदा है लेकिन दोस्तों आप पंद्रह मई को अपनी मान के अपनी तैयारी शुरू करें अगर चलो मान लेते हैं एक परसेंट आपका एग्ज़ाम पोस्टपोन नहीं हो पाया और आपकी तैयारी नहीं हो पाई तो आप क्या करोगे ये भी हो सकता है ना और दोस्तों अगर आपको पंद्रह मई से एग्ज़ाम स्टार्ट होता है तो पंद्रह जून पंद्रह जुलाई पंद्रह अगस्त यानी कि लगभग तीन महीने आपका एग्ज़ाम चलेगा ठीक है और दोस्तों इसके बाद आपका एक एग्ज़ाम आता है एन सिविल पी टू उसके बच्चे पूछते हैं कि वो एग्ज़ाम कब होगा तो अगर दोस्तों आयोग हुआ आपको कितना भी जल्दी कर लेगा तो एग्ज़ाम को सितंबर से पहले नहीं करा पाएगा सिविल टू को ठीक है तो इसके लिए अभी आपको आपके पास अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त यानी लगभग आपके पास पाँच से साढ़े पाँच महीने का समय बाकी है कम से कम इतना यानी कि लगभग एक सौ सत्तर दिन साठ सत्तर दिन का समय आपके पास बाकी है कम से कम बता रहा ये मैं आपको ठीक है जो भी आपका एन की तैयारी कर रहे हैं और अगर दोस्तों आपका एग्जाम हो गया एन का और देखना चाहते हैं कि आपका सलेक्शन होगा नहीं होगा तो दोस्तों उसके लिए मैंने एक वीडियो बना दिया अलग से जिसमें आपकी कट ऑफ आप बता दिया है कि कितनी कट ऑफ आपकी जा सकती है अगर दोस्तों उस कट ऑफ के आसपास में नंबर बैठ रहे हैं तो आपको सी बी टू की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए ठीक है तो यहाँ पे आपको आई बटन लिंक मिल जाएगा वहाँ पे जाके आप देख सकते हो तो दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग